नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से सम्मोहन की विधि के अगले भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो पिछली बार के हम लोगों ने जो रहस्य थे उसको जाना था, अब उसको आगे बढ़ाते हुए अन्य प्रकार के त्राटक विधियों को जानेंगे जिससे सम्मोहन विद्या की शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं। तो इस बार का जो हमारा दूसरा त्राटक है इसे हम रक्तिम वस्त्र त्राटक के नाम से जानते हैं। इसमें 6 इंच लंबे और 6 इंच चौड़े लाल रंग का रेशमी वस्त्र लेकर उसे सफ़ेद रंग के वस्त्र के बीच बीच में टांग दीजिए और सफ़ेद वस्त्र को सामने दीवार पर या मोटे तकिए पर लटका दीजिए। फिर उस लाल रंग के वस्त्र के बीच में एक सफ़ेद बिंदु लगा दीजिए। अब इस सफ़ेद बिंदु पर टकटकी लगाकर देखने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते समय मन को पूर्णतः शांत रखने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह लाल वस्त्र नीले रंग का दिखाई दे रहा है, सफ़ेद बिंदु चमकने लगता है और जब ध्यान पूर्ण एकाग्र हो जाएगा तो वह सफ़ेद बिंदु बहुत अधिक प्रकाश युक्त बन जाएगा। इस प्रकार का अभ्यास लाल वस्त्र पर ज्वार के दाने को रखकर भी किया जाता है। कई बार इस अभ्यास के दौरान वह सफ़ेद बिंदु कभी लुप्त हो जाएगा तो कभी वह सफ़ेद बिंदु बहुत अधिक चमकीला दिखाई देगा। इस अभ्यास को करते समय आंखें थक जाएं तो आंख में पानी आने लगे तब अभ्यास बंद कर देना चाहिए, पर इस प्रकार के अभ्यास का समय धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। जब लाल वस्त्र नीले रंग का दिखाई देने लगे तब सफलता समझनी चाहिए, क्योंकि यह नीला रंग ही साधक के आत्म प्रकाश का प्रतिबिंब है। जब इस प्रकार का अभ्यास होता है तो उसके अंतर्मन और बाह्य मन पर परस्पर संबंध जुड़ता है। परिणाम स्वरूप मन में कई प्रकार के दिव्य विचार आने लगते हैं। आंखें बंद करने पर भी विशिष्ट साधु, योगी, नदी, पर्वत आदि के दृश्य दिखाई देते हैं। मन एकाग्र होने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और व्यर्थ का तनाव समाप्त हो जाता है। साधना करते समय समय की दूरी घट जाती है, अर्थात जब साधक 1 घंटे का अभ्यास करता है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी तक तो मात्र 10 मिनट का ही समय बीता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिन में 8-10 बार से ज़्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अभ्यास करने से आँखों पर अतिरिक्त भार पड़ता है जो कि उचित नहीं माना जाता है। अब अगला है जिसे हम बिंदु त्राटक के नाम से जानते हैं। एक बले से ड्राइंग पेपर के मध्य में काला बिंदु लगा दीजिए। इस ड्राइंग पेपर को सामने दीवार पर टांग दीजिए। उसके सामने लगभग 2 या 3 फुट की दूरी पर आप बैठ जाइए। अपनी आँखों को उस काले बिंदु पर जमाकर अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय बाद साधक को वह बिंदु बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, अभी तो उसकी जगह जगमगाता प्रकाश दिखाई देता है। जब ऐसा दिखाई देने लगे तब आप समझिए कि आप सही रास्ते पर आगे जा रहे हैं। इसके बाद उस काले बिंदु के चारों ओर गोल काली रेखा बना दीजिए और फिर काले बिंदु पर अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे साधक देखेगा कि वह काला बिंदु और उसके चारों तरफ की काली रेखा लुप्त हो गई है और उसकी जगह चमकीली रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसे सफलता का चिन्ह समझना चाहिए। इसके बाद उस काले बिंदु के चारों ओर क्रमशः 7 गोल रेखाएं खींचिए जिसके मध्य में वह काला बिंदु हो। इसके बाद पुनः उस काले बिंदु पर अभ्यास कीजिए। साधक धीरे धीरे अनुभव करेगा कि उसे काला बिंदु 1-2 परिधि उस पर दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु जब वह अभ्यास बराबर करता रहेगा तो कुछ समय बाद उसको वे 7 वर्तुल दिखाई देने बंद हो जाएंगे। इसको हम तुरीयावस्था भी कहते हैं। यह एक आनंददायक अवस्था होती है, क्योंकि ये जो 7 रेखाएं हैं तभी दिखाई देनी बंद होंगी जबकि आपका आत्म प्रकाश स्तर बढ़ जाएगा।
यह आत्मप्रकाश ही उस कागज पर इतनी तीव्रता के साथ में पड़ता है कि वह काला बिंदु दिखाई देना बंद हो जाता है, साथ ही साथ उसके चारों तरफ जो काली परिधियां हैं वो भी नहीं दिखाई देती। इसके स्थान पर वह तेज और सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। वह और कुछ नहीं, स्वयं का ही आत्मप्रकाश है जो कि कागज पर पढ़कर आपकी आंखों के भीतर जाता है। वास्तव में यह श्रेष्ठ सफलता कही जाती है। साधक को इस अभ्यास को नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास समाप्त होने पर ठंडे पानी से आंखों को बार बार धोना चाहिए, जिससे कि आंखों को राहत मिल सके। यह अभ्यास तेज प्रकाश में नहीं किया जाना चाहिए, अतः इसके लिए सूर्योदय से पूर्व का जो समय है वही ज़्यादा उपयुक्त रहता है। यदि दिन में अभ्यास करना है तो कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देने चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास हो जाने के बाद साधक को आगे बढ़ना चाहिए। अब उसे कागज के सफ़ेद बोर्ड पर या ड्राइंग शीट पर उसके मध्य में एक इंच लंबा चौड़ा या मिर्च के आकार का लंबा चौड़ा काला बिंदु बनाना चाहिए और उसके सामने दीवार पर उसे टांग देना चाहिए। उस बिंदु पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे साधक को यह बड़ा बिंदु छोटा दिखाई देने लगेगा और एक समय तो ऐसा भी आ सकता है कि जब यह बिंदु दिखाई देना ही बंद हो जाए, पर कुछ क्षण तक बिंदु अदृश्य हो जाएगा, बाद में पुनः बढ़ता हुआ मूल अवस्था की तरफ जाता दिखाई देगा। यह घटने और बढ़ने की क्रिया अनुकूल है, क्योंकि जब बिंदु घट रहा होता है तब आपका मन सुप्त होने लगता है, अंतर्मन ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होने लगता है। इस प्रकार जब पुनः वह बिंदु बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका बाह्य मन पुनः जागृत हो रहा है और आपकी मूल अवस्था में आ रहा है। पीछे वर्णित विवरण के अनुसार अंतर्मन जब पूरी तरह से जागृत हो जाता है और बाह्य मन सुप्त हो जाता है तो साधक सहजा अवस्था में आ जाता है। उस प्रकार वह वहाँ बैठे बैठे अत्यंत दूर के दृश्यों को भी उसी प्रकार देख पाता है जिस प्रकार से हम अपने टेबल पर पड़ी किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक बार मैं इसी प्रकार का अभ्यास कर रहा था कि मुझे बाहरी सीढ़ियों पर किसी की पदचाप की आवाज़ें सुनाई दी थीं। उस समय मैं उस बिंदु को अत्यंत घटता देख रहा था। इसका तात्पर्य यह था कि मेरा बाह्य मन लगभग सुप्तावस्था में चला गया था और ऊपरी मन ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हो गया था। जो ही मैंने वह पदचाप सुनी तो ऐसा लगा जैसे कि कॉलेज के एक प्रोफेसर आ रहे हैं जिनका कोई नाम है। इसके साथ ही साथ मुझे यह भी अनुभव हुआ कि वह एक कागज ला रहे हैं जिस पर कुछ विशेष घटनाएं लिखी हुई हैं। उस समय मेरे मन में जो घटनाएं थीं वह मैंने अनुभव कर ली थी। ज्यों ही वह सर्वथा अपरिचित व्यक्ति कमरे में आया तो मैंने कहा कि आप उस कॉलेज के प्रोफेसर लगते हैं और शायद आपका यह नाम है। इसके साथ ही साथ आप मेरे परिचित का एक पत्र भी लेके आए हैं जो कि आपकी जेब में है, उस पर 5 प्रश्न भी लिखे हुए हैं। यह बातें सुनकर पहली बार उसने कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, यानी जो भी बातें आगे घटित होने वाली थी इस अभ्यास के दौरान स्पष्ट रूप से दर्शनीय हुई थी। इस प्रकार का अनुभव प्रत्येक साधक को हो सकता है, क्योंकि उस समय साधक का अंतर्मन पूरी तरह से विकसित हो जाता है और सहजावस्था में होने के कारण पूरे विश्व में खुशबू की तरह फैलता है। फलस्वरूप वह सभी दृश्य हूबहू देखने में समर्थ हो जाता है। यह स्थिति ऐसी होती है कि भूतकाल के दृश्य और भविष्य की जो भी घटनाएं हैं उन्हें साक्षात देखने की क्षमता साधक के अंदर विकसित हो जाती है। कागज पर मिर्च के आकार का बिंदु जो न्यून होता है या पुनः विकसित होता है, यह सफलता का चिन्ह माना जाता है। इससे हम अंतर्मन से बाह्य मन को अलग करके एक निश्चित अवस्था की ओर
आगे बढ़ पाते हैं या फिर उसे जान पाते हैं। अब इसी प्रकार हम चौथे त्राटक पे आते हैं, जिसे हम प्रतिबिंब त्राटक भी कहते हैं। प्रतिबिंब त्राटक के माध्यम से कई प्रकार की सिद्धियां भी की जाती हैं, लेकिन वह एक अलग विषय है। यहाँ पर मैं केवल त्राटक के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। कमरे में 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा एक दर्पण लेकर दीवार पर लगा देना चाहिए। उससे 3 फीट की दूरी पर आसन पर बैठ जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कमरे में ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश ना हो। जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको आपका चेहरा उस दर्पण में दिखाई देगा। आप अपने प्रतिबिंब की भौहों के बीच दृष्टि को स्थिर कीजिए। धीरे धीरे आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाएगा और केवल मात्र दर्पण ही दिखाई देगा। इस समय बहुत ही धीमी गति से सांस लीजिए। सांस की गति जितनी ही कम होगी, वह प्रतिबिंब उतना ही जल्दी अदृश्य हो सकेगा। कुछ समय बाद वह प्रतिबिंब पुनः दिखाई देगा। यदि आप इसी प्रकार दृष्टि स्थिर रखेंगे तो वह प्रतिबिंब कुछ समय बाद पुनः लोप हो जाएगा। आपको लगभग 1 महीने तक इसी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि त्राटक करते समय किसी प्रकार के मंत्र जाप या अन्य जाप की आवश्यकता नहीं होती है। जब कुछ समय इसी प्रकार प्रतिबिंब त्राटक करेंगे तब आपको उस दर्पण में भयानक दृश्य दिखाई पड़ सकते हैं, नई प्रकार के नवीन दृश्य दिखाई पड़ सकते हैं। अगर नए दृश्य दिखाई दें तो आप समझिए कि आपकी साधना ठीक रास्ते पर चल रही है। हमारे मन में जो भी इच्छाएं और दृश्य दबे होते हैं वह सभी प्रकट होने लगते हैं। कई बार ऐसे दृश्य दिखाई दे सकते हैं जिन दृश्यों को हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, परंतु हमारे अंतर्मन में वे दृश्य अवश्य ही होंगे। इसीलिए इस प्रकार के अपरिचित दृश्य दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद इस प्रकार के दृश्य भी दिखाई देने बंद हो जाते हैं और जागृत मन लुप्त होकर सर्वत्र स्वयं ही व्यापक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ पर और जो कुछ भी दिखेगा वह स्वयं उसका ही प्रतिबिंब होगा। इस अवस्था को साधक या साधना की भाषा में तुरिया अवस्था कहा जाता है। जिस दर्पण को आप इस साधना में प्रयोग में लेते हैं, उस दर्पण को अन्य कार्यों के लिए कभी भी प्रयोग में ना लें। जब साधना समाप्त हो जाए तो इस दर्पण को किसी महीन मलमल के वस्त्र में लपेटकर एक तरफ रख देना चाहिए। यह साधना अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इससे आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा होती है, दृष्टि में एक तेज उभार आ जाता है। इस तेज के फलस्वरूप व्यक्ति सुविधापूर्वक सम्मोहित हो जाता है। यही नहीं, अभी तो इससे पशु पक्षी तक भी सम्मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार का अभ्यास समाप्त होने के बाद आप किसी को भी उसकी आँख में आँख डालकर आज्ञा दीजिए, वह अवश्य ही आपका कार्य करने में गौरव का अनुभव करेगा। यही नहीं, अभी तो आप नम्रतापूर्वक जो भी बात कहेंगे उसे भी वह स्वीकार करेगा। आप कुछ और परीक्षण भी करें। किसी क्रोधित व्यक्ति को आप उसकी नज़र से नज़र मिलाकर शांत रहने की बात मन ही मन कहें, वह अवश्य ही शांत हो जाएगा। इसी प्रकार क्रोधपूर्ण स्थिति में यदि कोई पशु हो तो उसकी आँख में आँख मिलाकर शांत रहने को कहें तो वह भी शांत हो जाएगा। जो व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता वह व्यक्ति भी सम्मोहनकर्ता की बात मान लेता है। इस प्रकार का अभ्यास होने के बाद किसी जड़ पदार्थ पर भी यह सम्मोहन किया जा सकता है। अगर उदाहरण के लिए लिया जाए तो किसी रूमाल या अंगूठी को लेकर उस पर नज़र डालकर एक टक देखते हुए यह भावना करें कि इस वस्तु के स्वामी को जो भी देखेगा वह वश में हो जाएगा। इसी प्रकार इस वस्तु को देखेगा वह भी सम्मोहित हो जाएगा। एक बार मेरे पास एक परिचित बंधु आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कल सुबह अपने एक अधिकारी से मिलना है। मैं एक गलती कर चुका हूँ और कल जब मैं अधिकारी से मिलूँगा तो निश्चय ही वह मुझे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि मैं अभी इस नौकरी में स्थायी नहीं हुआ हूँ।
जो मैंने गलती की है वह क्षमा करने योग्य भी नहीं है। मैंने उसे शांत किया और कहा, इस प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी ली, जो कि एक मामूली अंगूठी थी। मैं उसे लेकर एक एकांत कमरे में चला गया। उस पर एक टक दृष्टि डालता हुआ मैंने उस समय की साधना के आधार पर यह भावना की कि इस अंगूठी पर जो भी नजर डालेगा वह इस अंगूठे के स्वामी के वश में हो जाएगा। मैंने वह अंगूठी परिचित को दे दी और कहा, इसे पहनकर अपने अधिकारी के सामने चले जाना और बातचीत करते समय एक या दो बार इस अंगूठी को अपनी उंगली से इस प्रकार घुमाना कि तुम्हारे अधिकारी की दृष्टि इस उंगली पर यानी इस अंगूठी पर अवश्य ही पड़ जाए। उसने दूसरे दिन ऐसा ही किया और वापस आकर बताया कि जाते ही अधिकारी आग बबूला हो गया था। उसने यह निश्चय कर लिया था कि मुझे नौकरी से अलग कर दिया जाए, पर जो ही उसकी दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी तो वह शांत हो गया। उसके कहने का ढंग ही बदल गया। उसने मुझे मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया। वास्तव में इस प्रकार के रुमाल या किसी अन्य पदार्थ पर सम्मोहन किया जा सकता है जिसका लाभ उस पदार्थ का उपयोग करने वाले को होता है, परंतु उस पदार्थ पर जो भी सम्मोहन कार्य किया जाता है उसका प्रभाव 3 महीने तक ही रहता है। साथ ही साथ जब वह पदार्थ पानी के संपर्क में आता है तो उस पर किया हुआ सम्मोहन भी व्यर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी रुमाल पर सम्मोहन किया जाए तो उस रुमाल में सम्मोहन का जो प्रभाव है वह 3 महीने तक रहेगा, पर यदि दूसरे या तीसरे दिन ही रुमाल को धो दिया जाए या कोई अन्य व्यक्ति उसे ज़्यादा छुए तो उस रुमाल का जो सम्मोहन है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के ताटक का प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। अपने बगीचे में मैं कई बार पेड़ की डाल पर बैठे तोते या किसी अन्य पक्षी की नज़र से नज़र मिलाकर यही आज्ञा देता हूँ कि नीचे चले आओ, तो वह पक्षी बिना डर हिचकाहट के डाल से नीचे उतर आता था और मेरे दोनों हाथों से दाना चुग सकता था। इस प्रकार का प्रयोग मोर आदि पक्षियों पर भी किया गया। ये सारे प्रयोग पूर्णतः सही और सफल रहे हैं। इसी प्रकार एक पर क्रोधित सांड की नज़र से नज़र मिलाकर उसे शांत रहने की आज्ञा दी गई, वह पालतू जैसा हो गया था। एक क्षण में उसका क्रोध समाप्त हो गया था। यह साधना कालजयी कहलाती है। 3 घंटे तक साधना करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ समय ही बीता हो, अर्थात बहुत समय तक साधना करने पर भी बहुत ही कम समय इसमें भी प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें और हमारे मन को इस प्रकार की साधना करने में आनंद की अनुभूति होती है। ऊपर मैंने जितने भी त्राटकों के प्रयोग बताए हैं उनमें से यह सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अब हम लोग अगले भाग में आगे के त्राटकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह साधनाएं गुरु के निर्देशन में एकदम एकांत और स्वच्छ वातावरण में करने पर निश्चित लाभ होता है। हालांकि इसमें बहुत समय लगता है और अभ्यास छोड़ देने के बाद में फिर यह सिद्धियाँ चली भी जाती हैं, लेकिन जो लगातार इनका अभ्यास करता है उसके पास यह सिद्धियाँ और शक्तियाँ हमेशा बनी रहती हैं। तो इसके अगले भाग के लिए करिए इंतजार। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय मां पराशक्ति।